योगी सरकार का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। रायबरेली पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, जहां एक अंतर जनपदीय बदमाश को गोली लगी है, वहीं तीन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेमरी गांव के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी सामने से आ रही टाटा सुमो गाड़ी को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन गाड़ी सवार बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी और गाड़ी लेकर भागने लगे, जिस पर पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया, लेकिन सभी बदमाश गाड़ी छोड़कर जंगल में भागते समय पुलिस टीम पर गोली चला दी। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। डॉक्टर अतुल पांडे, ईएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, रायबरेली। पुलिस मुठभेड़ का मामला है क्या? हाँ, सुनील गौड़ है, 38 साल का, वो सीएससी खीरो से रेफर आया है और उसके पैर में लगी हुई है चोट। यहाँ फर्स्ट एड करके एडमिट किया गया है औरतों के अंडर। कौन लेकर आया है? पुलिस वाले लेके आए हैं वहीं से। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।